हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रकाश शाश्वत। हम अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। 31 क्वेश्चन तक हमने सॉल्यूशन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर कितने परसेंट रह जाती है? 52। सबसे पहले स्टूडेंट आप ये माने कि आपके पास दो संख्या है, एक संख्या ए है और एक संख्या क्या है स्टूडेंट? बी। आपने क्या देखा कि एक संख्या ए है और एक क्या है? बी। अच्छा, कहता है कि एक संख्या का 60%, इस संख्या का आपने 60% लिया, इस संख्या का 60% आपने दूसरी संख्या में जब घटाया तो दूसरी संख्या घटकर क्या रहेगी? 52। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर बच्चों का ध्यान इस 52 पे जाता है और वो ये पढ़ते हैं कि ये 52% लेना है। स्टूडेंट, यहाँ पे 52% नहीं लेना। आप ये देखें कि हमने एक संख्या का 60% दूसरी में घटाया तो दूसरी घटकर 52 रह गई, घटकर 52 रह गई, पर घटी कितनी? तो स्टूडेंट, दूसरी संख्या घटी 48%। कितने परसेंट घटी स्टूडेंट? 48। पहली संख्या का जब आपने 60% दूसरी संख्या में घटाया तो दूसरी संख्या घटकर कितने परसेंट रह गई? 52। इसका मतलब दूसरी संख्या कितने परसेंट घटी? 48। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या के 48% के बराबर है। तो स्टूडेंट आगे इसको सोल्व करेंगे। 12 के पहाड़े से काटते हैं 5 और यहाँ आता है 4। देखो, ए गुणा 5 बराबर बी गुणा 4, और मैंने पहले ही बताया है कि जब गुणा में हो तो अनुपात क्या हो जाते हैं? उल्टे। मतलब ए हो जाएगा 4 और बी कितना हो जाएगा? 5। तो स्टूडेंट आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4:5। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ देखा कि पहली संख्या का 60% हमने दूसरी संख्या में घटाया तो दूसरी संख्या घटकर 52 रह गई, पर घटी कितनी स्टूडेंट? 48। मतलब पहले का 60 दूसरे के 48 के क्या है? बराबर। तो स्टूडेंट, ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये डिलीवर केस वाला आपका क्वेश्चन है, जिसमें आगे से आगे हम डिलीवर करते हैं। जैसे ए को बी से, बी को सी से और सी को डी से। ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आपको ये सिखाया था कि आपने ये देखना होता है कि पहले कौन आता है। आप ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि पहले ए आ रहा है। नहीं स्टूडेंट, देखो, ए को बी की अपेक्षा, कहने का मतलब ए की तुलना जो है वो बी से हो रही है, अर्थात पहले बी आएगा। बी से पता किसका चलेगा? ए का। और बी को सी की अपेक्षा, मतलब बी से भी पहले कौन आएगा? सी। और सी को डी की अपेक्षा, मतलब सी से भी पहले कौन आएगा? डी। मतलब क्रम ये है स्टूडेंट, डी से सी आएगा, सी से बी आएगा और बी से कौन आएगा? ए। क्योंकि ए बी की अपेक्षा, बी सी की अपेक्षा, सी डी की अपेक्षा। तो जो बात है वो शुरू किससे हो रही है स्टूडेंट? डी से, और खत्म किस पर हो रही है? ए पर। हम इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। स्टूडेंट, 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10 कम मिले, मतलब 10 पर 1 कम मिला। 10 पर 1 कम मिला तो आप इसे बोलेंगे 10 से 9। फिर आगे क्या कहता है? उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% ज़्यादा अंक मिले। स्टूडेंट, 25% का मतलब होता है 1/4। तो स्टूडेंट, 4 पर 1 ज़्यादा मिला, मतलब 4 से कितना हो गया स्टूडेंट? 5। आगे इसके बाद में आप देखेंगे सी को डी की अपेक्षा 20% क्या मिला है? कम। और 20% का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? 1/5। तो 5 में अगर 1 कम मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ आप देखते हैं कि ये साइड जो है वो फर्स्ट वैल्यू है और ये वाली साइड लास्ट वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू मतलब पहले और लास्ट वैल्यू मतलब अंतिम। तो पहला यहाँ डी है और अंतिम यहाँ पर ए है। तो अगर आप काटना चाहो तो काट भी सकते हैं। 5 से 5 कट गया और स्टूडेंट 4 से 4 कट गया। तो आप यहाँ पर पाते हैं कि इधर रहता है 10 और इधर रहता है 9। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, डी आएगी 10 की और ए की आएगी 9 की। इसका मतलब डी अगर 10 है तो ए कितना है? 9। आपको यहाँ पर 360 वैल्यू दी गई है ए की, और जो ए है इधर देखें तो ए 9 है,
नौ की वैल्यू 360 है, हमें डी निकालना है, मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है स्टूडेंट, 10 की, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 400। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो 400 है, आपका आंसर परसेंटेज में पूछा गया है। पूरा जो पेपर है वो 500 नंबर का है, उसमें से ए कितना है 400, और प्रतिशत निकालने के लिए स्टूडेंट आप गुणा किसका करोगे, 100 का, तो आपका आंसर आएगा 80%। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा, 80%। स्टूडेंट ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमने डिलीवर केस लगाया था, अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हुई है तो पहले पिछली वीडियो देखें, पिछली वीडियो में मैंने ये सारा कुछ आपको समझाया हुआ है। ये डिलीवर केस है, डिलीवर केस में आप देखेंगे कि ए से बी, बी से सी, अगर आप देखें आपको लगता है कि ए पहला है, स्टूडेंट ए पहला नहीं है, ए लास्ट है, क्योंकि ए की तुलना बी से, बी की तुलना सी से, और सी की तुलना डी से हो रही है, अर्थात डी पहले आएगा और ए लास्ट में आएगा, और तरीका लगेगा फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है जो कि ये एग्रीगेट, ये जो क्वेश्चन है ये आपका बेसिक क्वेश्चन है मैथ का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गौर से देखेंगे इसको समझेंगे। कहता है कि 10,000 सीटें जिसमें से 100 सीटें छोड़ दो और सभी टिकटें बेच दी गई, मतलब कि 10,000 में से 100 सीटें ऐसी है जो नहीं बिकी, तो अर्थात सीटें कितनी बिकी, 9,900। अब कहता है कि इसमें से 20% सीटें, तो आपको सबसे पहले इसका 20% लेना पड़ेगा, आप इसका 20% लोगे, ये स्टूडेंट कितना आएगा, 1980, कितना आएगा स्टूडेंट, 1980। और स्टूडेंट 10,000 सीटें टोटल है, उसमें से 100 सीटों पर हमने 100 सीटें छोड़ दी, बाकी रहेगी आपकी 9,900 सीटें, उसमें से 20%, 9,900 का कितना परसेंट है, 20% कितना हो गया, 1980 सीटें जो है वो आधी कीमत पर बिकी, तो बाकी कितनी रहेगी स्टूडेंट, उसका 80%, 8 × 72 और 7 तुम्हारा 7920। तो याद रखें ये जो 1980 सीटें हैं इन्हें वो आधी कीमत पर बेच रहा है, और उसकी पूरी कीमत कितनी है स्टूडेंट, 20। तो आधी कीमत 10 है, ये लीजिए इसे आप गुना करोगे 10 से, तो आपके रुपए बनते हैं 19,800, और ये पूरी कीमत, पूरी कीमत स्टूडेंट इसकी कितनी है, 20, आप इसे 20 से गुना कर दीजिए, 2 × 4 9 × 18 और 7 × 14 और 1 × 15, ये लीजिए स्टूडेंट 1,58,401 और 19,801, अगर इनको आप प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ये था इसे करने का पहला तरीका जो आपकी स्क्रीन पर है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,78,200। स्टूडेंट ये इसे करने का पहला तरीका है, अब मैं आपको एक दूसरा तरीका करवा रहा हूँ, पहले तरीके को एक बार रिवाइज मारते हैं। देखिए स्टूडेंट 10,000 टोटल सीटें हैं, उसमें से 100 सीटों पर टिकट की बिक्री नहीं हुई, तो टिकट की बिक्री हुई 9,900 सीटों में, उसका 20% बनता है 1980, बाकी रहेगी 7,920। 20% सीटों को आधी कीमत पे बेचा गया है, पूरी कीमत इसकी आपको 20 रुपए दी गई है, आधी कीमत स्टूडेंट कितनी हो गई, 10। तो 19,800 को 10 से गुणा करोगे तो, सॉरी 1980 को अगर 10 से गुणा करोगे तो 19,800, और 7,920 को अगर 20 से गुणा करोगे आप तो आपका आएगा 1,58,400। इनको सबको आप जोड़ोगे तो कुल बनता है स्टूडेंट 1,78,200। स्टूडेंट इसे करने का दूसरा तरीका, दूसरा तरीका स्टूडेंट आप कैसे करेंगे कि आप देखते हैं, मैं इसे एक बार फिर गौर करेंगे इस पे, जो 9,900 सीटें हैं उनमें से 1980 सीटों को आधे रेट पर बेचना है, कितने पर, आधे रेट पर। आप पहले से पूरे रेट पर बेचो कि मान लो सारी सीटें पूरे रेट पर बिक गई, तो आपका जो पैसा बनता है वो बनता है स्टूडेंट 1,98,000। ये वो पैसा है जब पूरी की पूरी सीटें पूरे दाम पर बिक गई, पर 1980 सीटें आधे दाम पर बिकी, मतलब कि आधा दाम नहीं बिका, इसका मतलब आधा आपको इसका आधा दाम, इसका आधा जो दाम बनता है वो बनता है एक आपका 19,800। कहने का मतलब ये है कि आप 1,98,000 में से अगर 19,800 घटा दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया,
मैंने सभी सीटों को 20 रुपए में बेच दिया तो 1,98,000 रुपए आ गए, पर मैंने देखा कि 1980 सीटों पर मुझे सिर्फ 10 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब कितने नहीं मिल रहे? 10 रुपए नहीं मिल रहे। 20 की सीट है, 10 रुपए मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 10 रुपए नहीं मिल रहे। 1980 सीटों पर 19,800 रुपए नहीं मिलेंगे। नहीं मिलने वाले को हम क्या कर देंगे? स्टूडेंट माइनस, और आपका आंसर आ जाएगा 19,800 में से आप 1,98,000 में से 19,800 आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,78,200। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना का वजन टीना के वजन। स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे नाम गेट दिए जाते हैं और उनके रिलेशन आपको ढूंढने होते हैं, तो पहला काम आपने यही करना है, इन बहुत से नामों को एक लाइन में लगाओ ताकि इनका रिलेशन आपको मिल सके। सबसे पहले मैंने देखा नेहा और टीना की बात हो रही है। स्टूडेंट जो परसेंटेज के पास में नाम होता है वो 100 होता है। वो क्या होता है? 100% के पास में टीना है, तो आपने टीना को 100 माना। टीना के वजन का 140% कौन है स्टूडेंट? नेहा। तो यहाँ पर जो नेहा है वो कितनी हो गई? 140। फिर आगे हमने देखा मीना का वजन लीना का, अब देखेंगे परसेंटेज के पास कौन है, 90% के पास लीना है स्टूडेंट। तो लीना के वजन का 90% मतलब परसेंट के पास लीना है, लीना को 100 मानो, लीना के वजन का 90% मीना है, तो स्टूडेंट मीना कितनी हुई? 90। डाटा को एक बार अरेंज करते हैं। फिर आता है लीना का वजन टीना के वजन का दुगना, तो दुगने के पास टीना है, टीना को 1 माना, 1 का दुगना कितना हो जाएगा? लीना मतलब कितनी हो जाएगी? 2। स्टूडेंट ये आपके सामने एक छोटा सा डाटा है, ढंग से देखिएगा। हालांकि आप इसे और भी एक तरीका है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप इसे ऐसे ही सोल्व करें। इसकी एक वजह है, हम इधर देखेंगे। सबसे पहले आप इनको एक अनुपात में चेंज कर लीजिए, 7:5, 9:10 और 2:1। स्टूडेंट ये इनका अनुपात है। अब आपको इन्हें एक नाम में अरेंज करना है ताकि सभी एक ही लाइन में आ जाए। लाइन में कैसे आएगा स्टूडेंट? इधर देखें, नेहा और टीना से शुरू करते हैं। नेहा 7 है तो टीना कितनी है? 5। अगला अब टीना ही आएगा, ये रही टीना। टीना अगर 1 है, ये लीजिए इसे अरेंज करेंगे, टीना अगर 1 है तो टीना की जोड़ी किसके साथ है? लीना के साथ। तो लीना स्टूडेंट कितनी हुई? 2। अब लीना की जोड़ी आगे आ रही है, लीना मीना के साथ है, ये लीजिए लीना अगर 10 है तो यहाँ पर मीना कितनी है? 9। स्टूडेंट देखेंगे मैंने एक अरेंज में कर दिया, नेहा से टीना, टीना से लीना, लीना से मीना, आपने यही करना है। अब आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ ऐसा ही पूछा जाता है कि आपको नेहा और मीना के बीच में ही रिलेशन पूछेगा, क्योंकि स्टूडेंट आप देखें नेहा शुरू में आ रही है और मीना लास्ट में आ रही है, तो रिलेशन जो है वो पहले और लास्ट के बीच में ही पूछा जाएगा। यहाँ आप क्वेश्चन को देखते हो, नेहा और मीना, देखिए स्टूडेंट क्या दे रखा है, नेहा और मीना, आप कैसे लगाओगे? देखिए हमें नेहा से टीना गए जी 7:5, फिर टीना से लीना 1:2, फिर 10:9। स्टूडेंट देख रहे हैं आप, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू कौन सा तरीका है स्टूडेंट? फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, पहले वैल्यू नेहा की है, लास्ट वैल्यू मीना की है। अब आप देखिए कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 × 10 से 10 कट गया, क्या बचा आपके पास? 7 × 7 और 9 × 9। तो आप यहां पर देखते हैं कि अगर नेहा 7 है तो मीना स्टूडेंट यहाँ पर कितनी है? 9। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि नेहा का वजन मीना के वजन का एक्स परसेंट है, मीना यहाँ 9 है, नेहा यहाँ 7 है, और परसेंट निकालने के लिए स्टूडेंट गुणा किसका करोगे? 100 का। तो आपका आंसर आ जाएगा 700/9। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट कैसे किया? देखो इसे करने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका मैंने आपको सिखाया है। ये तरीका आप कैसे भी डाटा में यूज कर सकते हैं, और जो तरीके होते हैं उनमें डाटा का सेट बैठना जरूरी है। अगर डाटा सेट नहीं बैठता है तो क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ हो जाती है दूसरे तरीकों में, पर इस तरीके में डाटा चाहे मुश्किल हो, चाहे डाटा फ्रैक्शन वाला हो, चाहे कैसा भी हो जाए, आपका गलत नहीं होगा। याद रखें आपने इन्हें एक लाइन में लगाना है, जैसे इसने नेहा टीना मीना लीना और लीना टीना करके एक रिदम में नहीं दिया है, सारे अलग अलग दिए हैं, आप उन्हें एक रिदम में शुरू करो, नेहा से टीना, टीना से लीना और लीना से मीना, तो आप देखेंगे
एक बंदा पहले है और एक बंदा लास्ट में है। ठीक है स्टूडेंट, आपने से और आगे आपने तरीका कौन सा लगाना है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, 7 से 5, 1 से 2, और ऐसे लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू मैं हर क्वेश्चन में लगाता आया हूँ, तो ये आप इसे कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका और करा देता हूँ मैं, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर बच्चे भी उसी को यूज़ करते हैं, अपने उस पर बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप सिर्फ डाटा लिखो, आपसे कहता है नेहा का वज़न टीना के वज़न का 140% है, ठीक है, फिर मीना का वज़न लीना के वज़न का 90% है। लीना यहाँ पर है नहीं, तो अभी तक आप कुछ ढूंढ नहीं पा रहे। इधर आगे देखते हैं कि लीना का वज़न टीना के वज़न का दुगना है। अब आप इन दो लाइनों से एक रिलेशन देखते हैं, इन दोनों लाइनों से एक रिलेशन क्या देखते हैं कि मीना का वज़न लीना के वज़न का 90% है, कि मीना का वज़न जो है वो लीना के वज़न का क्या है। ये लीजिए, मैंने कहा था लीना आपने 90 ले ली और मीना आपने कितनी ले ली, 100। अब कहता है इधर देखेंगे कि ये लीजिए लीना आपकी 100 है और मीना जो है, मीना का वज़न लीना के वज़न का क्या है, 90%, तो लीना 100 हो गई और मीना कितनी हो गई, 90। फिर कहता है कि लीना का वज़न टीना के वज़न का क्या है, दुगना। जो लीना है, लीना का वज़न टीना के वज़न का क्या है, दुगना। तो स्टूडेंट आप लिख लीजिए, ये लीजिए टीना के वज़न का दुगना, तो आप टीना को 100 ले लिए। अगर आप टीना को 100 लेते हो तो लीना उसकी डबल हुई, लीना कितनी होगी, 200। अब स्टूडेंट अगर लीना 200 है तो मीना उसका 90% हुई और 200 का 90% आपका कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 180। अब यहाँ पे एक डाटा कैसे मिल गया कि टीना 100 है तो लीना 200 हो गई, लीना अगर 200 है तो उसका 90% मीना कितनी हो गई, 180। अब ऊपर देखते हैं नेहा का वज़न टीना के वज़न का 140% है, टीना यहाँ पर 100 है, इसका 140% नेहा हो गई, ये लीजिए नेहा कितनी हो गई, 140। तो स्टूडेंट एक ऐसे भी कर सकते हैं आप कि आपने एक किसी एक को पकड़ा, उसे 100 माना, जैसे टीना को 100 माना तो लीना 200 आ गई, और लीना अगर 200 है तो मीना 180 आ गई, और अगर टीना 100 है तो नेहा कितनी आ गई, 140। तो यहाँ पर आपको एक अरेंजमेंट मिल गया, आपने पाया कि नेहा 140 है तो मीना कितनी हो गई, 180। पर स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर डाटा में अगर ऐसे सेटिंग ना बैठे, डबल की बजाय कुछ फ्रैक्शन में या फिर कुछ पॉइंटों में अगर डाटा दे देता है, या फिर कुछ ऐसा दे दे जैसे यहाँ पर 90% आराम से निकल गया और वो और यहाँ पर इनका बराबर भी बैठ गया, अगर ना बैठे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इन्हें बराबर करना पड़ता है, फिर ये क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जो पहले वाला तरीका मैंने करवाया था, आप उस तरीके से इसे करने की कोशिश करें। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसे देखेंगे। निधि ने गणित में 62, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 74 अंक प्राप्त किए, सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए कि कुल उसको 68% मार्क प्राप्त हो। स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, 1, 2, 3 और 4, उनका औसत 68 है, परसेंट का मतलब 100 ही होता है स्टूडेंट, तो 100 में से 68 अंक उसको एवरेज लेने हैं, आप इसे मल्टीप्लाई करो तो आपका बनता है 272 अंक। आपको टोटल जो है वो 272 अंक लेने हैं, उसमें से पहले में आपने 62 लिए, दूसरे में आपने 70 लिए और तीसरे में आपने 74 लिए। तो आप यहाँ देखेंगे आपने जो अंक लिए हैं 7, 7, 14 और आपने कुल मिला के 206 अंक उसके अंदर लिए हैं, आपको लेने हैं 272। स्टूडेंट इधर देखेंगे हमारे पास टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, 4 में से 3 की मार्किंग आपको मिल चुकी है, कुल जो मार्क हैं, कुल जो नंबर स्टूडेंट आपके हैं वो 272 हैं, 272 में से 206 आपके आ गए। अब एक आखिरी पेपर बचा है, तो अब आप देखेंगे कि हमें उसमें कितने नंबर चाहिए, हमें उसके अंदर नंबर चाहिए 66। जो आखिरी पेपर है उसके अंदर आपको कितने नंबर चाहिएंगे स्टूडेंट, 66। ये करने का ये इसका पहला तरीका हो गया स्टूडेंट। दूसरा तरीका आप देखेंगे भी, दूसरा ऐसे कैसे किया जा सकता है। दूसरा आप स्टूडेंट ये देखें कि आपके पहले सब्जेक्ट में 62 नंबर हैं, दूसरे में 70 हैं, तीसरे में 74 हैं, आपको एवरेज 68 नंबर लेने हैं। कितने नंबर लेने हैं, 68। आप लाए हो 62, इसका मतलब -6। क्या है इसका मतलब, -6। दूसरे वाले में आप लेके आए हो 70 नंबर, इसका मतलब +2, और तीसरे वाले के अंदर आप लेके आए हो +6। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले वाले में -6, इसका मतलब 6 नंबर कम रह गए, +2 मतलब 2 नंबर ज़्यादा है, +6 मतलब 6 नंबर ज़्यादा है। इन सब की आप कैलकुलेशन करो तो 6 से 6 गया,
आप देखते हैं आपके पास प्लस दो रह गया। प्लस दो का मतलब दो नंबर ज्यादा है आपके पास। इसका मतलब जो नया पेपर आएगा उसको दो नंबर कम लाने होंगे। ज्यादा का मतलब कि ज्यादा है आपके पास। अच्छा, आपका एवरेज कितना है? 68। दो नंबर आप ज्यादा लाए हो, इसका मतलब अब आपको दो नंबर कम लाने हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 66। स्टूडेंट मान लो यहाँ पे माइनस रह जाता, यहाँ पे रह जाता -2, इसका मतलब दो नंबर कम रह गए, तो आप यहाँ माइनस की बजाय क्या कर देते? प्लस। तब आपका आंसर क्या आ जाता? 68। तो इस बात पे गौर करेंगे स्टूडेंट, आपके पास +2 बचा है, मतलब दो नंबर ज्यादा है। दो नंबर ज्यादा है तो दो नंबर को आप कम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 66। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर। स्टूडेंट देखेंगे, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हुई तो व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि वृद्धि दे रखी हो तो कमी पूछेगा और कमी दे रखी हो तो वृद्धि। स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे स्टूडेंट? 100 से 118, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 118 से 100। देखो वृद्धि हो रही थी, अब इसका अपोजिट कर दिया, मतलब हमने कमी कर दी। तो आप 18 की कमी कर रहे हो, किस पर कमी कर रहे हो स्टूडेंट? 118 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए आप गुणा किसका करोगे? 100 का। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसे आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपके क्वेश्चन और बेहतर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, आपके सामने एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में, 48% गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। जस्ट पिछली क्लास के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको डिस्कस किया था। अब अपने इस पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे आप 53% एक है, 48% एक है। स्टूडेंट देखेंगे 53% एक है, 48% एक है, और इन दोनों के योग में से आपने क्या माइनस करना है? 40। क्यों करते हैं? क्योंकि ये 40% वो हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, मतलब दो बार हैं। दो बार है तो एक बार आप क्या कर दोगे इसमें से माइनस। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखेंगे आपके पास आया 61। ये क्या आया स्टूडेंट? ये सब है क्या? अनुत्तीर्ण। इसका मतलब इस 61 अनुत्तीर्ण है। 61 ऐसे स्टूडेंट है जो अनुत्तीर्ण है। तो अगर आप स्टूडेंट 100 में से 61 अनुत्तीर्ण हुए, इसका मतलब ये हुआ 39। कितना हुआ स्टूडेंट? 39% वो हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या है? पास। 100 में से 61 लोग फेल हुए हैं, इसका मतलब जो रह गए वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए। किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होने का मतलब है वो दोनों सब्जेक्ट में क्या है? पास। तो आपके दोनों सब्जेक्ट में जो पास आएंगे वो कितने आएंगे स्टूडेंट? 39। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कहता है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग अपनी धर्मपत्नी को और एक 30% भाग एक धर्म दाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का 30 और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। बाकी धनराशि वह अपनी तीन बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उनकी बेटियों में से एक जो है 42 लाख रुपए मिलते हैं। तो आदमी की कुल संपत्ति स्टूडेंट करने का तरीका देखेंगे। 100 में से 30 उसने दान कर दिया। गौर से देखेंगे आप कि 100 में से 30 उसने दान कर दिया। स्टूडेंट कितना रह गया? 70। शेष का 30 और 25, 30 और 25 कितना होता है स्टूडेंट? 45, सॉरी 30 और 25 कितना होता है? 55। अब 100 में से उसने 55% आगे खर्च कर दिया। 100 में से उसने 55 खर्च कर दिया तो उसके पास 100 में से स्टूडेंट कितना रह गया? 45। इस 45 के भी उसने आगे तीन हिस्से किए हैं स्टूडेंट, क्योंकि उसके पास उसकी कितनी बेटियां हैं? तीन बेटियां। ऐसा ही है स्टूडेंट। तो आप ये देखेंगे कि 100 इस 45 के तीन हिस्से अगर आप करते हो तो एक हिस्सा 15 का बनता है। तो आप यहाँ पर इसे 100 लेने, आप 45 लेने की बजाय स्टूडेंट आप यहाँ पर इसे लेंगे 15। क्यों लेंगे? मेरी बात को समझे एक बार फिर। 100 में से 30 खर्च हो गया, कितना रह गया स्टूडेंट? 70। बाकी जो रह गया उसका 30 और 25 कितना हुआ? 55। 55 खर्च हो गया और खर्च होने के बाद 45 बचा। 45 को उसने अपनी तीन बेटियों के बीच में बांटा है। एक बेटी को फिर कितना मिलेगा? 15। मैंने आपको पहले ही बताया था, शेष वाले क्वेश्चन को ऐसे करते हैं आप, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू से बड़े आराम से हो जाएगा स्टूडेंट। 0 से 0 काट दिया, 5 3 15
और 5 दुनी 10, तो आपको ये मिलता है कि अगर धन उसका 200 रुपये है, कितने रुपए है 200, तो आखिर में उसने अपनी बेटियों को 7 या 21 रुपये बांटे, कितने रुपए बांटे 21, और इस 21 की वैल्यू आपको स्टूडेंट कितनी दी गई है 42, तो 42 में आप 21 का भाग देंगे और 200 का उसमें गुना कर देंगे, क्योंकि आपसे कुल राशि पूछी गई है स्टूडेंट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 400। तो स्टूडेंट ये था इसे करने का सही तरीका, और बड़े ही आराम से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए बी सी तीन छात्र हैं, ए को बी से 18% अधिक अंक मिले तथा सी से 12% कम अंक मिले। ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक ही बंदे की तुलना दो बंदों से होती है। यहाँ पर ए को बी से तथा सी से, मतलब ए की तुलना दो बंदों बी और सी से हो रही है, तो कहता है ए को बी से तो 18% अधिक मिले हैं और सी से 12% कम मिले हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे स्टूडेंट, ए को अगर आप बी को 100 मानते हैं, बी को 100 मानते हैं, तो ए को 18 ज़्यादा मिले, मतलब कितने मिले स्टूडेंट 118, और उसी कंडीशन में आगे क्या कह रहा है कि तथा सी से 12% कम मिले हैं, इसका मतलब ये है कि अगर सी को 100 मिले हैं तो ए को कितने मिले हैं 88, स्टूडेंट कितना मिला है 88। कैसे किया मैंने, कहता है बी से 18 ज़्यादा है और सी से 12 कम है। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो पहले और लास्ट के बीच में ही कोई ना कोई संबंध पूछेगा या देगा, जैसा कि उसने किया है, उसने बी की वैल्यू आपको दी है और सी की आपसे पूछी है, तो आप इसे एक लाइन में अरेंज करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले आप देखते हैं 100 से कितना हो रहा है 118, फिर आप स्टूडेंट आगे देख रहे हैं, देखो मैं इसे एक लाइन में अरेंज कर रहा हूँ, आगे आप देख रहे हैं 88 से कितना हो रहा है स्टूडेंट 100, तो ये 100 से 100 कट गया, तो आपके पास और छोटा हो रहा है डाटा, इसको और छोटा कर दो। आप इसे चाहो तो 2 के पहाड़े से काट लो, चाहो तो आप 4 के पहाड़े से काट लो, चाहो तो आप ना काटो। जैसे हमने इसे काटा तो ये आ गया 44 और ये आ गया 59, इसका मतलब ये है बी, बी यहाँ पे स्टूडेंट 44 है और आखिर में बचता है सी, सी यहाँ पे कितना है स्टूडेंट 59। क्वेश्चन को बड़े गौर से देखेंगे स्टूडेंट, बी अगर 100 है तो ए 118 है और ए अगर 88 है तो सी 100 है। एक लाइन में आप इसे अरेंज करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, काटने के बाद में आपने छोटा कर दिया, ये आपका 44 है और ये आपका क्या है 59। तो आप यहाँ देखते हैं कि बी 44 है, सी 59 है, बी आपको दिया गया है, बी दिया गया है 220 और यहाँ पर बी कितना है स्टूडेंट 44, तो 220 में 44 का भाग दे दीजिए और गुना कर दो 59 का, 22 से काटा तो 2, 2 से काटा तो 5, 5 का मल्टीप्लाई कीजिए 5 नीम 45 और ये 5 5 25 और 4 29, तो आपका आंसर आएगा 295। देखेंगे स्टूडेंट मैंने कैसे किया इसको, कि मैंने सबसे पहले इन्हें एक अरेंजमेंट में किया, अरेंजमेंट में मैंने देखा पहले बी है तो लास्ट सी है, फिर मैंने इसे यूं अरेंज कर दिया, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू बी आ गई आपकी 44 और लास्ट वैल्यू सी आ गई जो कि कितनी आ गई 59। फर्स्ट वैल्यू आपको दी गई है, लास्ट वैल्यू आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर कर दिया गया। देखो 1.5 को 1.55 कर दिया गया, पहला काम है पॉइंट को खत्म करना। किसको खत्म करना स्टूडेंट, पॉइंट को। कैसे खत्म करेंगे स्टूडेंट, पॉइंट से ये पॉइंट हटाया, यहाँ पर दो बंदे हैं, इसका मतलब एक जीरो और दीजिए आप ये पाते हैं कि 150 से 155 हो गया। अब आपसे उसने त्रुटि पूछी है, आप भी जानते हो देखना था 150, देख लिया 155, तो आपसे जो त्रुटि हुई है वो त्रुटि कितने की हुई है 5 की, और वो त्रुटि किस पर हुई है 150 पर। क्यों? क्योंकि सही वैल्यू 150 थी, याद रखना गलती की गणना हमेशा सही वैल्यू पर होती है, सही वैल्यू आपकी 150 थी, 150 को आपने 155 काउंट कर लिया और परसेंट निकालने के लिए आप गुणा किसका करोगे स्टूडेंट 100 का, 0 से 0 गया, 5 3 15, 10/3% की त्रुटि, मतलब 3 सही 1/3% आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। तो इसी दौर को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक दूसरे की तुलना में 19% अंक अधिक प्राप्त करते हैं और उनके अंकों के योग से 60% थे, तो उन दोनों ने अंक प्राप्त किए। देखो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, एक ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। सबसे पहले वो कहता है कि उनमें से एक दूसरे की तुलना में
19 अंक अधिक प्राप्त करता है, मतलब कि दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी है, जो ए है वो उससे 19 अंक ज्यादा है, और दूसरी चीज उसने, या फिर ये क्या लिखा हुआ है, उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का, दोनों के अंकों के योग का, तो स्टूडेंट दोनों के अंकों को 100 मानो, और दोनों के अंकों का योग अगर 100 है तो उसमें से एक स्टूडेंट, मतलब वही बड़े वाला, क्यों इधर देखें स्टूडेंट, उसके अंक कौन है ये, उसके जो 19 अंक ज्यादा लेता है, मतलब जो बड़े वाला है, बड़े वाले ने दोनों के अंकों के योग का 60% लिया है, मतलब कि उसने 100 में से 60 लिए हैं। अगर बड़े वाले ने 60 लिए हैं तो छोटे वाले ने कितने लिए हैं, 40, और दोनों का अंतर कितना हुआ स्टूडेंट, 20। तो यहां पर आपको अंतर कितना दे रखा है स्टूडेंट, 19। तो ये जो 19 है ये वैल्यू किसकी है, 20 की। अगर आपको ए चाहिए तो आप 60 का गुना करोगे, और अगर आपको बी चाहिए तो आप यहाँ पे गुना किसका करोगे, 40 का। आप देखते हैं 20 तीय 60, 19 तीय 57, और 20 दुना 40 और 19 दुना 38, तो आपका आंसर आएगा 57 और 38। तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन, कैसे किया हमने, हमने ये देखा अभी दोनों के योग का 60%, तो योग 100 है तो उसका 60% 60 हो गया, एक बंदा 60 है तो दूसरा कितना हुआ 40, दोनों का अंतर आपको दिया गया है, आगे आपसे सॉल्व कर लेना। हाँ जी स्टूडेंट, अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान दे देता है तथा शेष का 20% बैंक में जमा करा देता है। ये शेष वाला क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, 20% का मतलब 1/5, पांच में से एक दान दे दिया तो कितना रह गया 4, वैसे ही 20% बैंक में जमा करा दिया, मतलब 1/5, पांच में से एक बैंक में जमा करा दिया तो कितना रह गया 4, पांचों पंजा 25 और 4 चौके 16। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जहां पर इनकम 25 थी वो अब कितनी रह गई 16, यहाँ पर बचे लिखा हुआ है, बचा है आपके पास 12,800, और आप देखेंगे आपके पास कितना बचा है 16, 16 की वैल्यू आपको दे रखी है और 25 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन जिसे हमने बड़े ही नॉर्मल तरीके से कर दिया, मैंने कैसे किया फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, और आप इसे जब इससे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शेष वाले क्वेश्चन, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट। हाँ जी स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर, एक लड़के को कहा गया कि एक प्रश्न का 1/4 और 1/5 के योग को एक में से घटाओ तो उत्तर जो है वो 0.45 देता है, ये उसकी गलती है, क्या उत्तर रहना चाहिए, आप चेक करेंगे स्टूडेंट। एक में से आपने 1/4 और 1/5 को घटाना है, करने के से बहुत से तरीके हैं, आप इसे जब भी क्या नाम है ऐसे क्वेश्चन को करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं कि हम इसे सॉल्व इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो 5 और 4 9, नीचे आ गया 9 5 चौका 20 और 1 माइनस, तो स्टूडेंट इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 20 एकम 20, 20 में से 9 गया तो कितना रह गया 11, 11/20। इसने जो आंसर दिया है वो पॉइंटों में दिया है, आप पॉइंटों में निकालने की बजाय हमेशा 100 से गुना कर दो, किससे गुणा कर दो स्टूडेंट 100 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 55। तो ये जो 55 आया है ये पॉइंटों में ही आया है क्योंकि आपने 100 का गुना किया था, जब आप ये 100 हटाओगे तो 2 पॉइंट लग जाएंगे। कैसे किया मैंने, 1 में से 1/4 प्लस 1/5 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास आया 11/20। इसे आपने पॉइंट में चेंज करना है तो आपने ऊपर 100 से गुना कर दिया, 100 से गुना करने से ये पॉइंट जो आपके पास आया है, जैसे 55 आया है तो दो लोगों के बाद, क्योंकि 100 से गुना किया है तो दो लोगों के बाद आप पॉइंट लगा दो तो आपका सही आंसर आता है 0.55, पर आपने निकाला है 0.45, तो स्टूडेंट 0.55 की बजाय 0.45 निकाल दिया, मैंने पहले ही कहा था पॉइंट को उड़ा दिया करो, 55 की बजाय 45 निकाल दिया, त्रुटि हुई 10 की, और ये त्रुटि है किस पर स्टूडेंट, 55 पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा किसका करोगे 100 का। तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 200/11। स्टूडेंट ये था इसे करने का पहला तरीका, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इन्हें सीधा परसेंटेज में चेंज कर लो, 1/4 को आप 25% बोलेंगे, 1/5 को आप 20% बोलेंगे, तो 25 और 20 कितने परसेंट हुआ 45, जब आप 45% 100 में से घटाओगे तो आपके पास 55% रह जाएगा,
55% का मतलब अभी आप पॉइंटों में लिखना चाहो तो दो छोड़ के पॉइंट लगाने होते हैं, तो 0.55 बनता है। सेम कंडीशन आपके सामने बन गई और आप इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये दूसरा था इसे परसेंटेज से सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी स्टूडेंट, यदि सेब का मूल्य 80 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलो हो जाए तो एक आदमी को सेम की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी ताकि खर्चा क्या रहे समान। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि वृद्धि दे रखी हो तो कमी पूछेगा, कमी दे रखी हो तो वृद्धि पूछेगा। जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो स्टूडेंट पलटा मारते हैं। क्या मारते हैं पलटा? तो हम अभी पलटा ही मारेंगे। पलटा कैसे मारेंगे स्टूडेंट? जो रेट था वो 80 से कितना हो गया 100। अब आपने इसका उल्टा करना है, मतलब कि 100 से कितना करोगे 80। अब आप देखेंगे कि कमी कितने की हो रही है, 20 की। और ये जो 20 की कमी हुई है स्टूडेंट किस पर हुई है? 100 पर। और परसेंट निकालने के लिए आप गुणा किसका करोगे? 100 का। तो आपका आंसर आ जाएगा 20% की कमी। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत किए हैं, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 73% उम्मीदवार ने अभी क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों विषय में। कौन से में? दोनों विषय में। तो कहता है कि अगर 6300 उम्मीदवार दोनों विषय में असफल हुए हो तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी हैं। ये टाइप मैंने वेन डायग्राम में करवाया था। कैसे करवाया था? कि 73 और 70 को आपने प्लस किया, उसमें से क्या माइनस करोगे? 64, क्योंकि यह दोनों में आया हुआ है। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा आपके पास 79। ये 79 क्या है स्टूडेंट? ये है जो आपको दिया हुआ है उत्तीर्ण है, इसका मतलब ये 79% दोनों में उत्तीर्ण है। अगर 100 में से 79 दोनों में उत्तीर्ण है स्टूडेंट, तो दोनों में फेल कितने प्रतिशत हुआ? 21। और आपको दोनों में फेल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 630। और ये वैल्यू किसकी है स्टूडेंट? 21 की। आपको कुल विद्यार्थी पूछा है तो आप गुणा किसका कर दोगे? 100 का। और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 30,000। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। देखो 900 अधिकतम अंकों में से ए ने 72% अंक लिए हैं और दूसरे विषय में 700 में से 80% अंक उसने लिए हैं। यदि परिणाम दोनों विषयों को सम्मिलित करके बनाया जाए तो बताइए कि सम्मिलित कहने का मतलब स्टूडेंट ये टोटल पूछ रहा है आपसे। टोटल का मैंने एग्रीगेट एक तो आपको बेसिक तरीका पता ही है, हमने पहले बहुत बार कर चुके हैं ये सब। तो दूसरा मैंने सीधा ही बताया था कि आप 0 से 0 काट ही दो, और इसमें 72% है और इसमें 80% है। कुछ नहीं स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया तुम्हारा 560 और ये आ गया तुम्हारा 648। जैसे ही हमने इनको मल्टीप्लाई किया और फिर इनको क्या करना है? प्लस करना है स्टूडेंट। स्टूडेंट ये आ जाएगा तुम्हारा 1208 और टोटल ये स्टूडेंट 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 16। तो इसमें आप डिवाइड किसका कर दोगे? 16 का। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। एग्रीगेट वाला ये क्वेश्चन है। कैसे करते हैं? हमने इन्हें पहले रेशो में बदला, फिर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा उसका टोटल करके, और 9 और 7 कितने होते हैं स्टूडेंट? 16 का। हम उसका उसमें क्या कर देंगे? डिवाइड। ये था आपका एग्रीगेट वाला टाइप स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी स्टूडेंट, एक क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दो तो 120 रुपये में 4 किलो चीनी कम मिलती है। स्वाभाविक सी बात है कि रेट अगर ज़्यादा हो गया तो चीज़ क्या मिलेगी? कम। 120 रुपये आपके पास हैं और आपने उसमें 20% की कमी कर दी स्टूडेंट, तो आपके पास रुपए कितने आ गए? 24। 20% का मतलब है 24 रुपए। तो 24 रुपए जो है वो कम हो गए, सॉरी वृद्धि हो रही है, तो 24 रुपए की वृद्धि हो गई। और 24 रुपए की वृद्धि हो गई तो आपको उसके बदले 4 किलो चीनी क्या मिलेगी? कम। इसका मतलब ये है कि ये जो 4 किलो है वो 24 का हो गया, इसका मतलब 1 किलो जो है वो कितने रुपए का है? 6 रुपए का। स्टूडेंट ये जो आया है ये नया मूल्य आया है, पर हमें उसने प्रारंभिक मूल्य पूछा है। नया मूल्य जो है वो 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब जो मूल्य पहले 5 था वो अब कितना है? 6। अब आपको जो मूल्य दिया गया है वो नया मूल्य है। नया मूल्य मतलब वो वैल्यू किसकी है स्टूडेंट? 6 की। और हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है स्टूडेंट, मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 5 की। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे।
हाँ जी, अभी जो मूल्य ये जो आया था ये नया मूल्य आया था और हमसे उसने प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो नए से प्रारंभिक पे जाने का ये तरीका था। स्टूडेंट नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफों की संख्या। सबसे पहले हमने ये देखा अभी कुल स्टाफ 100 है, 100 में से 40 महिला है, तो पुरुष कितने हुए स्टूडेंट? 60। अब कहता है कि 70% जो महिला है वो विवाहित है और हमसे अविवाहित पूछा है, तो स्टूडेंट अगर 70% विवाहित है तो अविवाहित कितनी हुई? 30। तो आपने 40 का 30% निकाला तो आपके पास कितना आ गया? 12। वैसे ही पुरुष का 50% विवाहित है तो अविवाहित भी कितना हुआ? 50। आपने 60 का 50% निकाला तो स्टूडेंट ये कितना आ गया? 30। तो जो अविवाहित संख्या है वो कितनी आई है स्टूडेंट? 30 और 12, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 42% क्या है? अविवाहित। सिंपल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, करने का तरीका देखें और इस प्रकार से आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, एक परीक्षा में 100 अंकों के 3 विषय हैं, एक छात्र पहले 60% लेता है, फिर दूसरे में 80% लेता है, कुल मिला के उसे 70% लेने हैं, तो तीसरे सब्जेक्ट में वो कितने उसे प्रतिशत अंक लेने चाहिए स्टूडेंट? तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि आपके पास 3 पेपर हैं, मान लो तीनों के तीनों उसने 100 नंबर के दिए हैं, इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों बराबर हैं। तीनों के तीनों क्या हैं? बराबर। क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट मैं, मेरी बात को एक बार फिर गौर से सुनेंगे। तीनों के तीनों जो पेपर हैं वो 100 100 नंबर के हैं, इसका मतलब तीनों सब्जेक्ट आपस में क्या है? बराबर। हम आगे बढ़ते हैं, कैसे सोल्व करना है इधर देखिए। मान लो कि 3 पेपर हैं आपके और तीनों में एवरेज 70% नंबर चाहिए आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपको टोटल 210 नंबर चाहिए, उसमें से आपने 80 और 60, 140 नंबर आप उसमें से ले चुके हो। आपको लेना 210 है, आप 140 ले चुके हो स्टूडेंट, तो इसका मतलब जो रिटर्न रह गया वो कितना रह गया? 70। एक सब्जेक्ट बाकी है, 70% लेना बाकी है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट कितने परसेंट नंबर लाएगा? 70। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं और जिनमें से 20% साक्षर हैं, यदि निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? आपसे ये पूछा है स्टूडेंट, कैसे करेंगे? सबसे पहले 60% पुरुष हैं कि 100 में से 60 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हुई? 40। आपने से काट के छोटा कर दिया तो 5 जनसंख्या है, उसमें से 3 पुरुष है और 2 क्या है? महिला। पूरी जो जनसंख्या है वो 25% साक्षर है, तो 25 पंजा कितना हो गया? 125। ठीक है, और उसमें से 20% पुरुष साक्षर है, तो स्टूडेंट ये हो गए पुरुष। पुरुष कितने हो गए? 60। कैसे किया स्टूडेंट मैंने, कुल जनसंख्या 5 है, 25% के हिसाब से कुल साक्षर कितने हुए? 125। 125 में से पुरुष 60 हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर पुरुष 60 हैं तो बाकी 65 क्या हुई? फिर महिला, और यहाँ पर महिलाएं कितनी हैं? 2। तो ये जो 65% है ये वैल्यू किसकी है? 2 की। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो आएगा 32.5%। कैसे किया स्टूडेंट मैंने, सबसे पहले मैंने ये देखा कि 60% पुरुष हैं, मतलब 100 में से 60 पुरुष हैं, तो महिला कितनी हुई? 40। आपने इसे रेशो में बदला, रेशो में कैसे आएगा स्टूडेंट? 5 में से 3 पुरुष हैं और 2 क्या है? महिला। पांचों के पांचों जो है वो 25% साक्षर आपको बोल रहा है, इसका मतलब 5 × 25 125 का आंकड़ा आपको चाहिए, उसमें से पुरुष 3 × 20 मतलब कि 60 पुरुष का है, 125 में से 60 पुरुष का है, तो फीमेल का कितना हुआ स्टूडेंट? 65। 65 फीमेल का है, 2 फीमेल है, 65/2 करोगे तो आंसर आएगा 32.5, मतलब कि 32.5। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी स्टूडेंट, जल कर में 20% की वृद्धि लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, कैसे? वृद्धि 5 से 6, कमी 5 से 4, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 25। इन्हें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 24। अंतर कितने का? 1 का, 1/25 × 100, इसका मतलब 4% की क्या आएगी स्टूडेंट? कमी। अच्छा, दूसरी चीज़ सीखने वाली बात यह है कि आपको मैंने एक फॉर्मूला भी करवाया था, इसमें x² / 100 मतलब 20 की स्क्वायर में आप 100 का डिवाइड दोगे तो आपके पास 4% आएगा, और हमेशा ये क्या आता है स्टूडेंट? कमी। ठीक है, ये कब था? जब बराबर वृद्धि हो और बराबर ही क्या हो? कमी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर।
स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या को एक्स परसेंट बढ़ाया गया और मूल संख्या लाने के लिए कितने प्रतिशत घटाना होगा। स्टूडेंट घटाना है, वृद्धि है और घटाना पूछा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वृद्धि दे रखी हो कमी पूछे और कमी दे रखी हो वृद्धि पूछे, तो अपोजिट करते हैं। इसे आप कैसे सोल्व करेंगे, एक्स परसेंट बढ़ाया मतलब 100 से कितना हो गया 100 प्लस एक्स। अब हमें इसका अपोजिट करना है, 100 प्लस एक्स से 100 करना है, तो आप यहाँ पर कमी कितने करोगे एक्स की, और ये कमी है किस पे स्टूडेंट 100 प्लस एक्स पे, और प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा किसका करते हैं 100 का। तो स्टूडेंट ये आपका वो आंसर है जो इसका हमने टिक किया है। कैसे किया है, वृद्धि दे रखी है और आपसे क्या पूछा है कमी, ऐसे कंडीशन आने पर आप क्या करते हैं अपोजिट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, ए और बी अपनी मासिक वेतन को मिलाकर उनकी जो वेतन है वो 40,000 है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो मतलब बचत कितनी हुई स्टूडेंट 15%। बी 95% खर्च करता है, तो बचत कितनी हुई स्टूडेंट 5%। ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी, और उनकी बचत आपस में बराबर है, तो स्टूडेंट एक हो गया ए, ए का 15% बचत है, एक हो गया बी, बी का 5% बचत है। ये दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट बराबर, काट के छोटा कीजिए 5 एकम 5 और 5 3 15, और जब गुणा में होता है तो अनुपात क्या हो जाता है उल्टा, मतलब कि ए एक है और बी आपका कितना हो गया 3, तो 1:3, 1 और 3 कितना हुआ स्टूडेंट 4, 4 की वैल्यू आपको 40,000 दी गई है, इसका मतलब है कि 1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 10,000। अगर 1 की वैल्यू 10,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी, सॉरी ए की वैल्यू आपकी 10,000 आ गई, तो ऐसे ही अगर आपको बी निकालना होता तो बी की वैल्यू कितनी आ जाती 30,000। ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस इसे पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात आपको दिया गया स्टूडेंट 2:3, कहता है कि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो स्कूल के जिन छात्रों को नहीं मिलती उनका बताना है। सबसे पहले लड़कों पे आते हैं, लड़कों के 25% को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनों को नहीं मिलती 75, 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनों को नहीं मिलती 70। स्टूडेंट आपसे एग्रीगेट ही उसने पूछा है, जब एग्रीगेट पूछे तो आप क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं, 75 × 2 किया तो 150 हो गया, 70 × 3 किया तो 210 हो गया, और इन तीनों को प्लस किया तो आप सॉरी इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये 360 हो गया। आगे आप इसमें डिवाइड किसका करोगे 3 और 2 5 का, 360 में 5 का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 72%, 72% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं, 25% नीले 50% लाल गोले निकाल दिए जाते हैं, तब काले गोलों का प्रतिशत क्या होगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास जो है वो आपसे जो उसने परसेंटेज पूछा है वो काले गोले का पूछा है, वो कहता है 25% नीले गोले निकाल लो, 100 का 25% स्टूडेंट आप भी जानते हैं कि 25 होगा, और वैसे ही 50 का 50% ये भी आप जानते हैं कि कितना होगा 25, तो 25 और 25 आपने 50 जो है वो बाहर निकाल दिया। आपके इस पास इस वक्त आपके पास 100 50 और 50 टोटल 200 गोले हैं, 200 में से 50 आपने बाहर निकाल दिए, तो अब आपके पास गोले कितने रह गए स्टूडेंट 150। इन 150 में से आपको उसने सिर्फ और सिर्फ काले का पूछा है, और आप यहाँ देखेंगे कि आपने लाल और नीला इन दोनों ये दो निकाले हैं, काले में कोई चेंज नहीं है, और 150 में से काले कितने स्टूडेंट 50, और प्रतिशत आपसे पूछा गया तो आप गुणा किसका करोगे 100 का। जब आप इसे सॉल्यूशन करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 33 सही 1/3। आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है आराम से पढ़ें इसको करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20% के बराबर है। एक तरफ परसेंटेज है, एक तरफ फ्रैक्शन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये लड़के लिख दिया और ये लड़कियां लिख दी। कहता है लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10% मतलब लड़कियों का 1/10, लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है। स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया था कि जो बटे में होता है वही अनुपात होता है, यहाँ आप देखेंगे कि 20 है और इधर 10 है, और अगर आप इन्हें काट के छोटा करो तो जो आंसर है वो क्या आएगा स्टूडेंट 2:1, ये आपका आंसर है। तो लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो क्या आएगा 2:1। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
एक बटा तीन भाग जो है उस पर 7% दर है, और एक बटा चार पे जो है वो स्टूडेंट 8% दर है, और शेष पर उसने जो दर दे रखी है आपको, शेष पे आपको दर दे रखी है 10%, और आपसे कहा है कि 561 रुपये आपकी पूंजी है। आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप नोट करोगे कि यहाँ तीन है यहाँ चार है, तीन और चार का डिजिटल नंबर क्या हुआ स्टूडेंट 1200। क्वेश्चन परसेंटेज का है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो आप 12 की बजाय क्या मानोगे 1200। कुल पूंजी आपने 1200 मानी, 1200 का आपने जब एक तिहाई किया स्टूडेंट तो रुपए आ गए 400, और 400 का दर जो है वो कितने परसेंट है 7%। वैसे ही 1200 का आपने एक चौथाई किया, जब आप 1200 का एक चौथाई करोगे स्टूडेंट तो आप पाओगे कि, हाँ जी स्टूडेंट, जब 1200 का आप एक चौथाई करोगे तो आप पाओगे कि 300 आएगा, और उसकी जो ब्याज की दर है वो कितने परसेंट है 8%। स्टूडेंट गौर से देखिएगा, हमने सबसे पहले कुल पूंजी 1200 रुपये मानी, 1200 का एक तिहाई कितना हुआ 400, 1200 का एक चौथाई कितना हुआ 300, 1200 में से 400 और 300 कितने चले गए 700, 1200 में 700 अगर चले जाते हैं तो आपके पास शेष जो राशि बचती है वो कितनी है 500, 400 का 7% लेते हो तो 2800 रुपये आता है, 300 का 8% लेते हो तो 2400 रुपये आता है, और 500 का शेष का कितना परसेंट है स्टूडेंट 10%, 500 का 10% लेते हो तो 50 रुपये आता है। इस हिसाब से कुल ब्याज जो आपके पास आता है, जो कुल ब्याज जो आपके पास आता है वो आता है स्टूडेंट 28, कुल ब्याज जो आपके पास आता है 28, 24 और 50, इन सबको आप जब प्लस करते हो तो आपके पास कुल ब्याज बनता है 102 रुपये। कितने रुपये बनता है स्टूडेंट 102 रुपये। एक बार फिर इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमने पूंजी मानी 1200 रुपये, 1200 रुपये का सबसे पहले आपने एक तिहाई करना है, फिर एक चौथाई करना है, और फिर रह गया शेष 1200 का एक तिहाई स्टूडेंट कितना हुआ 400, 1200 का एक चौथाई कितना हुआ 300, शेष आपके पास कितना रह गया 500। इस पर आप दर ले रहे हो 7%, इस पे दर ले रहे हो आप 8%, और स्टूडेंट इस पर आप दर ले रहे हो 10%, ऐसा आपको दिया गया है। 400 का 7% जब आप लेते हो तो 2800 रुपये बनता है, 3% लेते हो तो 2400 रुपये बनता है, और 10% लेते हो तो 50 रुपये बनता है। ये ब्याज बना है स्टूडेंट, क्या बना है ये ब्याज, और ये ब्याज को जब आप प्लस करते हो, इस ब्याज को जब आप प्लस करते हो तो आप पाते हो कि कुल ब्याज जो बना है वो बना है 102 रुपये, और आप यहाँ पे देखते हो कि कुल ब्याज जो है वो 102 रुपये नहीं है, वो यहाँ पे कितना है 561। तो इस 102 की वैल्यू आपको 561 दी गई है, तो 561 में आप स्टूडेंट भाग देंगे 102 का। आपसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट, आपसे उसने ये पूछा है कि पूंजी क्या है, पूंजी आपने स्टूडेंट कितनी मानी थी 1200, इसका मतलब आपको जो वैल्यू है वो वैल्यू किसकी निकालनी है 1200 की। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन, इसे जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6600। तो स्टूडेंट ये था इसे करने का एक अच्छा मेथड, इसे आप प्रयोग करें, देखें भी हमने कैसे किया है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसे हम एग्रीगेट बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट एग्रीगेट। देखेंगे पहले 40 स्टूडेंट है, फिर 50 है, और फिर कितने हैं 60, और उत्तीर्ण जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है 100, 90 और 80 था। तदनुसार सभी समूह का कुल पूछा है आपने, आप ये देखेंगे कि इसमें आपको 100 और इसका कितना है 90 और इसका कितना है 80। स्टूडेंट कैसे करेंगे, 0 0 काट दो, मल्टीप्लाई करो, ये तो आ गया 400, इन्हें जब मल्टीप्लाई 9 × 5 करोगे तो कितना आएगा 450, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 6 = 48, मतलब कि 480। कैसे किया स्टूडेंट, सारी चीज़ आपके सामने है, इन सबको हम जब प्लस करेंगे तो ये 1200 और 1300, आपके पास 1330 रह जाएगा, कितना रह जाएगा स्टूडेंट 1330। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1330, अनुपात क्या है 6 4 10 और 5 15, तो आप इसमें भाग किसका देंगे स्टूडेंट 15 का। तो आगे आप इसे कर सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कैसे सॉल्व किया एग्रीगेट, कैसे किया स्टूडेंट एग्रीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाँ जी स्टूडेंट 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देखेंगे कि ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि आपकी जो जनसंख्या है वो 311,250 है, इसमें से स्त्रियों और पुरुष का अनुपात आपको दिया गया है,
वगैरह। यदि पुरुषों में साक्षरों का प्रतिशत 24 हो और स्त्रियों में 8% हो तो नगर में साक्षर का कुल संख्या पूछा है उसने। क्या पूछा स्टूडेंट? कुल। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आप इसे या तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं, भी आप 4340 को प्लस करेंगे, और एक मैंने आपको एग्रीगेट वाला तरीका करवाया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एग्रीगेट वाला तरीका पहले करें, ये थोड़ा बेटर रहेगा। हम इसे कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट, 43 अनुपात आपके पास 40 है, इसमें जो पुरुष जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां 8% जो है वो देखेंगे, स्त्रियां 43 है और पुरुष 40 है, स्त्रियां 8% जो है साक्षर है और जो पुरुष है वो 24% साक्षर है। ठीक है स्टूडेंट, हम इसका एग्रीगेट निकालते हैं। एग्रीगेट निकालना एक अच्छी चीज़ है, 8 और 43 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 24, 8 4 32 और 2 34। ठीक है स्टूडेंट, कैसे किया हमने, इसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 24 का है ये स्टूडेंट आपका 1440 आ गया, और इसे अब आप प्लस कीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होने वाला है। कई बार क्या होता है कि जोड़ घटाव थोड़े बड़े हो जाते हैं, पर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इनसे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। आप इन्हें प्लस करते हैं तो ये 1788 बनता है, और अनुपात आपके पास है 43 और 40। 43 और 40 को आप जब प्लस करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं 43 और 40 को, तो ये आता है 83। ये टोटल प्रतिशत है जो बच्चे साक्षर हैं, जो क्या हैं, साक्षर हैं। ये टोटल प्रतिशत हमने एग्रीगेट निकाला, आपको ये फीमेल का दे रखा था और ये मेल का दे रखा था, फीमेल और मेल को प्लस किया तो टोटल एग्रीगेट आ गया हमारा भी कुल कितने प्रतिशत साक्षर है। पर आपसे उसने प्रतिशत में नहीं पूछा, उसने आपसे काउंटिंग में पूछा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट, आप देखेंगे भी कुल जनसंख्या 311,250 है, उसका 17/88/83 और प्रतिशत हटाते हैं तो स्टूडेंट बटे में क्या आता है, 100, तो ये उसका साक्षर है। इसका इसे जब आप आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर हूबहू आ जाएगा स्टूडेंट। देखने में कई बार ऐसे लगता है कि ये कैलकुलेटिव होगा या कुछ भी है, ये या कुछ भी है, आप इसे दिखने में कई बार ये कैलकुलेटिव लग जाते हैं, पर ये आसान नंबर से कट जाते हैं। जैसे आप 0 से 0 काट लो, उसके बाद में 5 के पहाड़े से काट के इसे और छोटा कर लो और 2 के पहाड़े से ऊपर का काट दो, तो इन दोनों में से कोई ना कोई 83 का डिविजल जरूर होगा, मस्ट ट्राई, इसे आप पूरा सोल्व कर लेना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक दुग्ध विक्रेता दूध को केवल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन तब भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें दूध में क्या मिला दिया था स्टूडेंट, पानी। तो वो कहता है कि मिश्रण में दूध की प्रतिशतता कितनी है स्टूडेंट। यहाँ पर वो कह रहा है कि मिश्रण में दूध की प्रतिशतता कितनी है, कैसे सोल्व करेंगे, ढंग से देखिए कि आपको 20% लाभ होता है दूध और पानी के मिश्रण में, जितने प्रतिशत लाभ है वही उतने ही प्रतिशत पानी होता है। जैसे कि 20% पानी है, इसका मतलब 100 दूध है तो 20 पानी है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि 5 अगर दूध है तो 1 उसमें पानी है, 5 अगर दूध है तो 1 उसमें पानी है, तो टोटल मिश्रण कितना हुआ स्टूडेंट, 6 पर पानी कितना है स्टूडेंट, 1, और प्रतिशत निकालने के लिए आप यहाँ पे गुणा किसका करोगे, 100 का। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट, ये जो हमने निकाला है ये प्रतिशत किसका आया स्टूडेंट, पानी का, और आपसे उसने जो प्रतिशत पूछा है वो दूध का पूछा है, 6 में से 1 पानी है तो दूध कितना हो स्टूडेंट, 5, तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे, 500/6, और जब आप इसे काट के छोटा करते हो तो स्टूडेंट ये आ जाता है 250/3। ये है आपका सॉल्यूशन स्टूडेंट, आपका आंसर जो आया है वो आया है 250/3। ठीक है स्टूडेंट, पानी का पूछे तो आपने 1/6 ले लिया, और अगर दूध का पूछा तो उसने 5/6 ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचत करता है, किंतु 2 वर्ष बाद उसकी आय जो है वो 20% बढ़ जाती है, तब भी वह पहले जितनी ही राशि की बचत कर सकता है, उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखेंगे हम कैसे करते हैं, कि वो कहता है कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचत करता है, अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि वो 100 कमाता है, 90 खर्च करता है और 10 बचाता है। फिर कहता है किंतु 2 वर्ष बाद क्या हुआ, उसकी आय 20% बढ़ गई, कहने का मतलब है इस वक्त वो 120
क्या नाम है 120 रुपए कमा रहा है, तब भी वह पहले जितनी ही राशि की बचत करता है। यहाँ पे पहले जितनी ही पहले जि पहले वह कितनी राशि बचत करता था, 10, वो आज भी 10 बचत करता है, पर इसका मतलब ये है कि उसका जो खर्चा है वो कितना हो गया है, 110। अब वो कहता है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप देखेंगे कि 90 से 110 हो गया, तो वृद्धि हो गई 20 की। किस पर हो गई स्टूडेंट? 90 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए आप गुणा किसका करोगे? 100 का। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200/9। आगे से आप सॉल्व कर लेना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी स्टूडेंट, जब जल नलिका को दो टुकड़ों में काटा जाता है, तो बड़ा टुकड़ा नलिका की लंबाई का 70% है, और बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है पढ़ने में। पूरी पाइप 100 है, 100 में से बड़ा टुकड़ा 70 हो गया, तो छोटा कितना हो गया स्टूडेंट? 30। आपसे पूछा गया है कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है, तो आप यहाँ देखते हैं कि कितना लंबा है स्टूडेंट? 40। और ये लंबा किस पर है स्टूडेंट? 30 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए आप गुणा किसका करोगे? 100 का। तो स्टूडेंट आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसे आगे आप सॉल्व कर लेना। हाँ जी स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ऐसे आप बड़े तरीके से अच्छे तरीके से कर लेना। और आगे मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल और सिंपल टाइप के थे, अब अपने जो लेवल होगा वो काफ़ी अच्छा रखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।